हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में गाइस हम सीखेंगे अपना जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब पीआईटी इंस्टीट्यूट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूँ जीमेल साइन अप। आप भी जाइए और अपने गूगल क्रोम में लिखिए जीमेल साइन अप, और यहां पर आप देख सकते हैं क्रिएट योर गूगल अकाउंट, या आप सिंपली लिख सकते हैं कि जीमेल साइन अप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर है क्रिएट योर गूगल अकाउंट, और यहाँ पर आपने लिखना है फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिखना है सेकंड नेम। सो मैं कोई डमी अकाउंट बनाना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि आप लोग सीख सकें। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ डमी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी लड़सी खान। सो डमी खान ये हमारा फर्स्ट और लास्ट नेम हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डमी खान 017 जो है ये जीमेल हमें जो है अवेलेबल है। यहाँ पर के डमी 280 खान डेमी 60 ये नाम यहाँ पर मैसर है। तो जैसे ही नाम मैंने फर्स्ट नाम और लास्ट नेम दिया वहाँ पर, तो वो मुझे शो हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखूँ डमी, अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखूँ, तो वो भी हम लिख सकते हैं। लर्सी मैं ये लिखना चाहूँगा, तो अगर मैं इसको ट्राई करूँ और इसको मैं देखना चाहूँ, तो शायद ये भी अवेलेबल हो यहाँ पर। और अगर ये अवेलेबल ना हो, तो आपको यहाँ पर जो है वो जो अवेलेबल नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैंने डमी खान 123456 यहाँ पर एंटर किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पासवर्ड दूँ, और शायद ये नाम ये यूज़र नेम ये ना ले। अगर ले तो ठीक है, नहीं ले तो मैं आपको सिर्फ शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है, मैं कोई भी पासवर्ड दूँ यहाँ पर। पासवर्ड आपने जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। ठीक हो गया। सो मैं लिखता हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ पर दिया है, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड जो है वो लगा के चेक कीजिए। अब मैं देखता हूँ डमी खान 123456 है, और ये जीमेल है, और ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया है। सो आप यहाँ पर एंटर करें, नेक्स्ट क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि वो मेरा अपने मर्ज़ी का जो अकाउंट था वो है, वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो मैं बैक जाना चाहूँगा, मैं ये अकाउंट बनाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं जो यहाँ पर नेम दूँ, तो मुझे मैं चाहता हूँ कि वही नाम जो मुझे बाय डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, तो वही मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और सिर्फ आपको दिखाना था कि किस तरह से आप जो है अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं और ख़ुद जो है वो भी दे सकते हैं। सो डमी और यहाँ पर जो है खान, ठीक हो गया। ये मैंने जैसे ही एंटर किया, तो यहाँ पर मुझे कुछ अवेलेबल अकाउंट्स नज़र आएंगे। अगर नहीं आए तो फिर आपने यहाँ पर ख़ुद से जो है लिख लेना है। तो इस बार मुझे नहीं आए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लिख लेता हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से मैंने क्या लिखा यहाँ पर, डमी खान 123, क्लियर हो गया। तो यह नाम अवेलेबल नहीं है, मैंने 456 तक लिखा था तो वो मौजूद था। अब मैं लिखता हूँ अवेलेबल में जो है उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, डमी केफ 521। सो ये नाम मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ। पासवर्ड के बारे में मैंने आपके पहले ही बता दिया कि पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगानी है। ठीक हो गया। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं फास्ट जो है फास्टली और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना देना चाहता हूँ। तो इसके बाद मैंने इसको एंटर किया डमी के, तो ये पासवर्ड आप देख सकते हैं कि डिडंट मैच, ये मैंने कुछ मिस्टेक्स किए यहाँ पर, तो पासवर्ड सेम होना चाहिए। अब मैंने जैसे ही एंटर किया, तो डमी के और उसका जो पासवर्ड है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपसे आप मोबाइल नंबर जो है वो मांग रहे हैं। यहाँ पर आपने नंबर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले चूज़ करूँ, और इसको मैं आपने यहाँ पर अपने ईयर वगैरह देना है डेट ऑफ बर्थ की, और यहाँ से मैं मेल चूज़ करता हूँ। ठीक हो गया। मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पर जो है छोड़ दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आप लोग अपना नंबर देना चाहें, तो इस पर आप लोग जो है अपना नंबर दे सकते हैं। ठीक हो गया। आप लोग अपना नंबर दें, नंबर जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बग़ैर नंबर के आगे जाऊँ, तो आप लोग इस तरह से बग़ैर नंबर के भी आगे जा सकते हैं। और लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना नंबर ज़रूर इंटर करें, ताकि कल को आपका ईमेल अकाउंट का ही आपका पासवर्ड भूल जाए या कुछ और हो जाए, तो ताकि आप आसानी से उसको रिकवर कर सकें। ये कुछ प्राइवेसी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आप एग्री करें। एग्री करने के बाद जो है आप क्या करें, आगे बढ़ें, और आगे स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। सो कंटिन्यू इन द न्यू गूगल क्रोम फाइल। सो ये मैं गूगल क्रोम जो है इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, और ये मेरा अकाउंट जो है वेलकम डमी खान, तो ये जो है बन चुका है। आप
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने सिर्फ एक स्टेप इग्नोर किया जो नंबर देने का स्टेप्स था, तो नंबर आप लाजमी दें और उसके बाद जो है उस पर आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड जो है वो आप इसको फिर आगे एंटर करेंगे। और नंबर देना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को जो है आप जो है आपकी ईमेल पासवर्ड भूल जाए या और कुछ हो जाए, ताकि वो आप इसको आसानी के साथ रिकवर कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। तो आप देख सकते हैं ये डमी K521 ये मेरा अकाउंट अब जो है बन चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप यूट्यूब चैनल किस तरह से बना सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब PIT इंस्टीट्यूट।